दोस्तों तहलका बहुत तगड़ा है, दीदी जहाँ भी जाती है जिस भी होटल में जाती है सबको टिप देती है इतनी। सबसे बड़ी बात है दीदी को खाना जहाँ पसंद आता है दीदी वहाँ पे 3 लाख रुपए की टिप देती है। 3 लाख रुपए की टिप आज तक आपने किसी को नहीं दिखा होगा देते हुए, 3 लाख रुपए की दीदी टिप दे रही है। दीदी एक रिक्वेस्ट है दीदी की तरफ से, दीदी को जहाँ का भी खाना पसंद आता ना भैया वो वहाँ पे टिप देती है, ये दीदी की तरफ से 3 लाख रुपए की टिप है भैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल तहलका प्रैंक में। इसका मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में दीदी ने क्यों रखा हुआ है, कि इसके पीछे राज क्या है। दोस्तों तहलका बहुत तगड़ा है, दीदी जहाँ भी जाती है जिस भी होटल में जाती है सबको टिप देती है इतनी। और दीदी का दिल दरिया है, खाना यहाँ पे खा चुकी है और दीदी टिप देगी यहाँ पर। भैया मैं खुद ही दिया हूँ यार। दोस्तों मैं कलन गुट पे हूँ, यहाँ पे आपको लोकेशन दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए आप, और होटल का नाम है कान्हा जी, ये देखिए। ठीक है जी, अब दीदी का दिल दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से है। भैया मेरी दीदी ने खाना खा लिया है, बहुत खाना पसंद आया उनको, उनका दिल दरिया है, दिल समुंदर है, और मतलब जितनी मैं उनके बारे में तारीफ करूँ उतनी कम है। दीदी मैंने आपके बारे में सब बता दिया कि आपका दिल समुंदर है, दिल दरिया है, और आपको क्या नाम है बहुत ज़्यादा इस टाइम चर्चा में रहते हो, आपका नाम मोना है, और आपकी वही जोइनल वाली दीदी ना, जोइनल के नाम से इनका सलून है रजौरी गार्डन में, और इन्होंने बहुत तगड़ा दिल दिखा रखा पूरे भारत देश के अंदर, जहाँ भी इनको खाना पसंद आता है वहाँ पर 2.5 से 3 लाख रुपए की। आप ये सोचो हम गोवा में है, अभी मेरे हस्बैंड का कॉल आया है कि वहाँ पर इतनी वेटिंग चल रही है हेयर की और स्किन की, कि मतलब 10-10, 15-15 लोग अभी वेटिंग में। सबसे बड़ी बात है दीदी को खाना जहाँ पसंद आता है दीदी वहाँ पे 3 लाख रुपए की टिप देती है। 3 लाख रुपए की टिप आज तक आपने किसी को नहीं दिखा होगा देते हुए, 3 लाख रुपए की दीदी टिप दे रही है, क्योंकि दीदी को खाना, दीदी यहाँ पे क्या क्या पसंद आ गया आपको? भैया यहाँ पे आलू के परौठे, राजमा चावल, प्योर वेज है बट बहुत अच्छा खाना है और बेस्ट फूड है। खाना तो वैसे भी नाम भी बहुत है इन लोगों का। मैं वेज नहीं खाती, गोवा का मतलब मेरे लिए नॉन वेज है उनके लिए, बट यहाँ खाना के जितने भी रेस्टोरेंट है यहाँ पे गोवा में, मतलब कुछ दिखे ना दिखे, मैं बोल रही हूँ ना अभी भी कि आपको खाना जरूर दिखेगा और अल्टीमेट फूड वो भी प्योर वेजिटेरियन। और देखो यहाँ पे नॉन वेज वाले जो यहाँ पे आके फिश और क्रैब्स खा रहे होते हैं, और इस समय यहाँ पे वेज खा रहे हैं। मैं जो दोबारा बोलना, प्योर नॉन वेज खाने वाले बंदे खाना में आके प्योर वेज खा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ का खाना कितना ही अच्छा होगा जो अभी हमने नॉन वेज छोड़ा हुआ है। क्या बात है। तो यहाँ पे जो ओनर है, अच्छा सामने ही खड़े हैं, तरुण भैया नमस्ते, आप यहाँ के ओनर है, क्या बात है। दीदी एक रिक्वेस्ट है दीदी की तरफ से, दीदी को जहाँ का भी खाना पसंद आता ना भैया वो वहाँ पे टिप देती है, ये दीदी की तरफ से 3 लाख रुपए की टिप है भैया। ये क्या है? नहीं नहीं भैया उनका दिल है, जहाँ पे खाना पसंद आएगा मिनिमम। नहीं जी वो आइए यहाँ खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी ये टिप लेने से मना कर रहे हैं, एक बार आना इधर, दीदी इधर आना, इधर आना एक बार। 3 लाख ये जहाँ भी इनको खाना पसंद आएगा ना भारत देश में, वहाँ 3 लाख रुपए की टिप देकर आती है। भैया आप लोगों की मेहनत है, आप हर टाइम आइए और खूब आइए, कोई दिक्कत नहीं। भैया मना मत करो, भैया तो मना कर रहे हैं, मना मत करो यार, आप ये मत करिए, ये मना कर रहे हैं। यानी दीदी हमने तो हमें राजस्थान गए थे, वहाँ भी हमने मैटर दिया था, उसको ओके हो गया था। हाँ तो भैया आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों को लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आयो हमारे लिए कोई अच्छी बात। दीदी अपने हाथों से दो यार, आप भैया लेने पड़ेंगे, आपको लेने पड़ेंगे, आपको लेने पड़ेंगे, प्लीज ऐसे मत। नहीं नहीं दीदी ऐसा, लेकिन ऐसा लग रहा है इन्होंने दीदी बड़प्पन दिखाया अपना। चलो ठीक है भैया, हम कहीं और जाएंगे ना, जहाँ पे खाना पसंद आएगा वहाँ दे देंगे, लेकिन इनका ये दिल बड़ा दीदी, जो उन्होंने इतना बड़ा मतलब चीज को मना किया, और बहुत बड़ी बात है दीदी। जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं हम देखते हैं कि हमेशा यहाँ पे हमेशा फुल होता है। आपको फूड क्वालिटी कैसी लगी? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यही कोशिश करते हैं हमारी फूड क्वालिटी अच्छी हो, आए हुए जो भी हमारे गेस्ट हैं वो एकदम यहाँ से संतुष्ट होके जाए। सबसे बड़ी बात है भैया बहुत प्यार से खिलाते हैं, सर्विस बहुत फास्ट है, खाना जैसे मैंने भी बोला इतना 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 खाना है उतना ही बड़े बहुत ही प्रॉपरली परोसा है। अच्छा दीदी आपका भी दिल बहुत बड़ा है कि जहाँ पे आपने खाना 600 रुपए का खाया और वहाँ 3 लाख की टिप दे रहे हो, दीदी भगवान आपको 10 गुना देगा, सबको दे। क्या बात, सबको दे, सब शुक्राना होना चाहिए भैया, सब खुश होने चाहिए। आज की डेट में लास्ट अगर आप 2 साल से देखोगे तो कोविड के बाद लोग कितने परेशान है, मेरे पास में स्किन में और हेयर में ऐसे करके लाइन लगी है, जब मैं देखती हूँ बच्चे एक पन्नी के अंदर अपने हेयर लेके आते हैं तो मेरे को लगता है पता नहीं क्या है। ये दीदी इसलिए बता रही है, जो नए लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं इनका बहुत बड़ा सलून है दिल्ली के अंदर, इनसे बड़ा सलून पूरे भारत में किसी का नहीं है, और दीदी आपकी मेहनत है। अब आपने तो मना कर दी 3 लाख नहीं ले रही, अब मैं बाहर जा रहा हूँ रोड पे, जो मेरे को भाई देखे उनको दे दूंगा। दीदी आ जाओ, आ जाओ, आप दीदी का दिल देखते, आ जाओ जो भाई, दीदी मजाक नहीं कर रहा, भैया तरुण भैया आ जाओ, आप अभी रुक जाओ, अभी मैं दूंगा तरुण भैया, देखते अच्छा एक ही बंदा रुकूंगा मैं, अगर उसने यस बोल दिया तो दे देंगे दीदी, नो बोल दिया तो बच गए आपके। ठीक है डन, देखो दिल देखो कितना बढ़िया है। हम खड़े हैं कान्हा जी के बाहर कलन गुट के, भैया इलाका कौन सा है? कलन गुट पे ना, एक मिनट रुक जाओ, रिक्शे वाला भैया को आना था, भैया रिक्शे वाला भैया, जो भी भाई पहला आएगा उनको रिक्शे नहीं आएंगे तो जो भी मतलब जो मेहनती भाई आएगा उनको 3 लाख रुपए देंगे हम, और फर्स्ट टाइम मैं दूंगा वीडियो में, कोई कट नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ओके रिपोर्ट तरीके से, बात खत्म। दीदी रुक जाओ एक मिनट, आप
जो भी भाई मेहनती भाई देखेगा उसको रोकूंगा मैं। ये सबके सामने लाइव होने वाला है जी, सबके सामने रिकॉर्ड कर लो इस चीज़ को आप। मेरा नाम तेलका भाई, सब कुछ ओके रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। अंदर तो मजाक चल रहा था कि दीदी टिप देती है, अंदर तो मजाक चल रहा था, लेकिन अब ये रियल होने वाला है, ठीक है ना दीदी। अब ये रियल होने वाला है, अंदर जो था मजाक था, दीदी टिप देती है ये वो, अब जो होगा रियल होगा। डन, अभी रुक जाओ, देखते हैं कौन भाई मना करेगा 3 लाख रुपए लेने से। क्योंकि तरुण भैया पता क्या है, कुछ लोग ना घबरा जाते हैं कि इतने सारे पैसे क्यों मिल रहे हैं, ये कौन बंदे हैं, क्या है, कहाँ से आए हैं, ऐसे। अभी देखते हैं, रुक जाओ। दीदी मेरे को इतना पता है कि यहाँ पे सारे बंदे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक लेडी है जो घबराई हुई है इस टाइम, बहुत ज्यादा टेंशन है बड़ी हुई है उसकी, टेंशन है बहुत गंदी बड़ी हुई है इनकी। दीदी ओ तेरी, लेकिन इनका देखो, तरुण भैया का दिल देखो, अभी तक पैसे लिए नहीं उन्होंने मेरे से, ये कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। किसी का भला होना चाहिए, हमारा तो क्या ही है। 3 लाख रुपए गोवा में लेके खड़े हैं बीच रोड पे, जो मेहनती भाई दिखेगा उसको 3 लाख रुपए दूंगा मैं, और ये वीडियो पूरे भारत में वायरल होगी। मेहनती भाई कौन है, सारे भैया सारे अमीर है क्या गोवा के अंदर? हाँ सारे अमीर है गोवा में। अच्छा जी भैया, ना कोई रिक्शे वाला ना कोई टेम्पो वाला। हाँ टेम्पो वाला आ गया। दीदी दीदी की धड़कन है, दीदी के हाथ हाथ पैर कांप रहे हैं, दीदी के हाथ पैर कांप रहे हैं। रुक जाओ दीदी, टेम्पो वाले को रोको। भैया ये 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हैं, क्या बात कर रहे हो भैया? अरे वाह, बच गई भाई, मैंने बोला था गोवा में सारे अमीर हैं। दीदी बच गई। सबसे बड़ी बात है भैया, मतलब उन्होंने एक बार पूछने की भी कोशिश नहीं की। भैया तीनों ने मना कर दिया, कोई लालच नहीं है गोवन को, कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है भैया, तीनों ने मना कर दिया यार। वेरी नाइस भाई, ताली ताली बजाओ यार, पहली ताली तो इनके लिए जिन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया अपना। एक बार ही पूछा भी नहीं, क्या क्यों क्या कैसे, हाँ मुश्किल से 1000-2000 रुपए कमाते होंगे, एक बार उन्होंने लालच नहीं दिखाया। जबरदस्त यार, गोवा वालों की जय, गोवा वालों की जय। पीछे भैया गुड़िया खड़ी है, कौन है? भतीजी। भतीजी है, बेटी का नाम क्या है? है बेटा, पढ़ाई करते हो? फोन तो नहीं देखते? छोटे छोटे बच्चों को बोलो फोन देखना गलत बात। बेटा फोन देखते हो? एक बात बोलो बेटा, फोन मत देखना, जिंदगी में ऐसा काम करना जिससे माता पिता बोले भाई मजा आ गया मेरे बेटे ने तहलका मचा दिया। क्या मचा दिया? तहलका मचा दिया। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को दबा के शेयर मारना भैया के, ये खड़े पूरे गोवा के बहुत अमीर आदमी है, इनके बहुत सारे गोवा में होटल है, और यहाँ पर आओ, हर होटल में ना तहलका भाई का नाम लो। भैया किस नाम से होटल अपने सारे? अपने काना और पंजाबी हांडी और आपका ओम साई रत्ना और शिव सागर 56। मेरे भैया का नाम तरुण भैया है, वहाँ जाना होटल में, तरुण भैया नाम लेना और बोलना तहलका भाई, डिस्काउंट मिल जाएगा 15% का। सब आइए तहलका भाई के नाम से डिस्काउंट पाइए। क्या बात है, सही है। फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा, वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर, दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है। तहलका मचाता है ये, तहलका मचाए।